सब्सक्राइब कीजिए भारत योगी को, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले हेल्थ वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आर्य स्वागत करता हूं आपके पर अपने इस यूट्यूब चैनल भारत योगी पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। और जो व्यक्ति, पहले तो आप अनुलोम विलोम सीखिए। देखिए ये मेरा सीधा हाथ है, ये सीधे हाथ की तरफ, यहाँ पे मैंने नासिका पर अंगूठा रखा और यहाँ से मैं बिल्कुल आराम आराम से श्वास लूंगा, बिल्कुल आराम आराम से। जितना आप आराम आराम से श्वास लेंगे, जितना ज्यादा भरेंगे, उतना ही आराम आराम से खाली करना है। यानी कि आपकी श्वासों की जो अंतराल है वो ज्यादा होना चाहिए। उससे आपका क्या होगा, आपका मन शांत रहेगा, आपकी दिल की धड़कनों पर आपका काबू रहेगा और शुद्ध वायु जो आप नॉर्मल जब सांस लेते हैं आपके शरीर में, फेफड़ों में नहीं जा पाती है, तो वो जाएगी। अब उसके जाने से क्या होगा कि आपका जो शरीर, आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अब इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ से मैंने बिल्कुल आराम आराम से श्वास ली। अब मैं इसको रोकूंगा और यहां से बिल्कुल आराम आराम से खाली करूंगा। यानी कि एक बार मैंने सीधी तरफ से सांस ली, उल्टी तरफ से छोड़ी आराम आराम से, फिर आराम आराम से ही मैंने उल्टी तरफ से ली और सीधी तरफ से छोड़ दी। इस तरीके से यदि आप करते हैं, इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। देखिए ऐसा करने से आपके शरीर में जो हाई बीपी है, लो बीपी है, दोनों ठीक होते हैं इसको करने से। और नस नाड़ियां आपकी शुद्ध होती हैं, आपका गुर्दा, किडनी, फेफड़े, ये सब कुछ आपके बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ हो जाते हैं, इनसे संबंधित बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों हमारे योग में काफी बल है, काफी शक्ति है हमारे देश की योग पद्धति में। तो मैंने आपको बिल्कुल सीधा तरीका बताया है अनुलोम विलोम का। इसको आप कीजिएगा, आपको देखिए इतने बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो हाँ, कोई भी अच्छी चीज है उसको दूसरों को बताएं। और एक बात और, जो व्यक्ति मान लीजिए बैठ कर नहीं कर पाते हैं तो लेट जाइए, बिल्कुल सीधा लेट जाइए। लेटने के बाद इसी क्रिया को बिल्कुल आराम आराम से कीजिए। यकीन मानिए आपको इतना ज्यादा फायदा होगा ऐसा करने से, बहुत ही अधिक आपको इससे फायदा होने वाला है। और दोस्तों हो सके तो सुबह कुछ भी ऐसी चीज लीजिए खाली पेट जो कि आपके शरीर में एक टोनिक का काम करे। जैसे कि मान लीजिए पालक है, कच्ची पालक है, घरों पर उगा लीजिए, बहुत आसानी से उग जाती है। उसका आप इस्तेमाल कीजिए रोज सुबह, 5-7 या 10 पालक कच्ची खाइए। उससे आपका खून भी साफ होगा, खून बढ़ेगा, रक्त का शोधन होगा और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी आसानी से आप ठीक कर पाएंगे। मतलब सुबह कुछ ना कुछ खाली पेट आपको लेना ही चाहिए, चाहे आप गिलोय खाएं या फिर पालक खाएं या फिर ऐसी कोई चीज, तो आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। गर्म पानी तो जरूर पिया कीजिए सुबह खाली पेट, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बहुत सी बीमारी तो अकेला गर्म पानी ही दूर कर देता है और बाकी जो चीजें हैं वो योग तो वैसे ही दूर कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आता है दोस्तों उसको जरूर दबाया कीजिए, तभी आप हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।